और नहीं, पहली बार ऐसी सुबह। मतलब पहली बार ऐसा व्यू सुबह सुबह। अच्छा, बाय बाय खौसरनाक। तो फाइनली जी सुबह ब्रेकफास्ट के बाद और थोड़ा बहुत यहाँ और एंजॉय करने के बाद बाय बाय खौसरनाक। गाजी गाजी, एक शेर इधर के लिए। पल पल इंतजार किया था इस पल के लिए। हाय, पल पल इंतजार किया था इस पल के लिए। हाय, वो पल भी आया बस एक पल के लिए। बहुत मिस करेंगे हम शायद इसको और अपनी उम्र में। क्या पता अल्लाह ने दोबारा वो मौका बख्शेगा हमें कि हम दोबारा यहाँ पे पहुँचेंगे। लेकिन क्या कहूँ मैं इस लेक के बारे में, इन हैरत अंगेज पहाड़ों के बारे में। वो अल्फाज नहीं है। तो फिलहाल बाकी जितने भी आपके ऑडियंस हैं, सबसे गुजारिश है कि एक बार इधर इधर का विजिट करें। भलाई दूर है 20-25 किलोमीटर, लेकिन इधर के नज़ारों का लुत्फ उठाएं। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह भाई तो करें यार। कौसरनाग, बाय बाय कौसरनाग। तब तक खेले जब तक कि हमें दोबारा मौका मिलता है। तकबीर। तो लीजिए जनाब, थोड़े से दर्शन कीजिए आते समय भी माहीनाग की वादी के। यह माहीनाग के दाएं बाएं के खूबसूरत पहाड़। ये हमारे कुछ साथी जो आगे निकल गए हैं। ओए हाय 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 हाय, ये है माहीनाग के चारों तरफ से खूबसूरत पहाड़। राजी भाई। हाँ जी। दूर इन पहाड़ों में कुछ तो बसता है। दूर इन पहाड़ों में कुछ तो बसता है। ओ, यही हमारे सुकून का रास्ता है। ये आप देख सकते हैं माहीनाग की जो वादी है उसमें कैसे रहा जाता है, कैसे घरों के अंदर जिंदगी बसर की जाती है। ये माहीनाग का एक घर है। तो आखिरकार हम माहीनाग में लंच करने के बाद वहाँ से निकले और ये शाम का वक्त है जब हम पहुँचे वापस दोबारा कोंगवटन। और उसके बाद कोंगवटन में ही हमने नाइट का स्टे किया और फिर सुबह यहाँ पर नाइट कैंपिंग की जा रही है। और हर एक ने अपने अपना जो चूल्हा है वो जलाया है, अपने घर का दिया वो जलाया है। यहाँ पर कोंगवटन में टेंट वो लगा दिया गया है नाइट कैंपिंग के लिए। अभी इसमें तैयारियां जो है वो चल रही है। इसके बाद अभी चाय तैयार होगी, लेफ्टन चाय, और उसके बाद फिर शुरू होगा काम डिनर का। यह है कोंगवटन की लेफ्टन चाय। कैसा आ रहा है? बिल्कुल जी, बिल्कुल आ रहा है। कैसा है चाय में? मस्त। अच्छा करो तारे पहुंचे लगे हो तारे तादर बड़ा सिनेमा। ओह वेल डन वेल डन मुदी वेल डन मुदी। अस्सलाम वालेकुम। तो यह है जनाब रात गुजरने के बाद सुबह सुबह का कोंगवटन का व्यू कुछ इस तरीके का। अल्लाह अकबर, ये देखिए क्या खूबसूरती है माशाल्लाह। हाय 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 हाय। और ये आप देख सकते हैं जवानों की हालत। जवानों की हालत आप देख सकते हैं जनाब। जवान किस तरह से खड़े हुए हैं, जवान क्या कर रहे हैं,
ये देखिए जनाब, अभी भी उठने का नाम नहीं ले रहे। और ये देखिए, एक और देखिए कैसे चल रही है कोंगवर्टन में सुबह। कैसा लग रहा है नदीम भाई, व्यू कैसा है सुबह सुबह का? और नहीं, पहली बार ऐसी सुबह, पहली बार ऐसा व्यू सुबह सुबह। अच्छा ठीक, तो कोंगवर्टन कैसा लग रहा है? ये कोंगवर्टन का खुला मैदान, कोंगवर्टन का खुला मैदान बहुत ही अच्छा है। और यहाँ पर जो इस साइड का व्यू है, ये जो पॉइंट ट्रीज जो है इनका व्यू ठीक। ठंडी बहुत अच्छी हो रहा है, सर्दी यहाँ पे उतनी नहीं है जितनी ऊपर। ये जो कोंगवर्टन का मैदान है जो आपको ये जगह नजर आती है वहां से, और फिर घूमते 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 लास्ट ये जो मकान आपको नजर आता है, जब आप यहां तक चलते हैं तो आपको ये वाला सफर करने में कम से कम एक घंटा लग जाता है। फाइनली जी, हमारी जो कौंसर नाग की ट्रिप हर्बल से शुरू हुई थी वो अब जो ख़त्म होने जा रही है। और हमारी जो भी टीम थी वो और दूसरी टीम जो हमारे साथ थी वो तमाम जो है अब हर्बल हम पहुंच चुके हैं। आप ये देख सकते हैं पीछे, ये जो है ये हर्बल का इलाका है और अब हम यहाँ पर पहुंच चुके हैं। तो इसके साथ अब जो है हमारा जो भी सफ़र था वो तमाम आपके साथ हमने जो है शेयर करने की कोशिश की जितना हो सका। तो आप इंजॉय कीजिए, मज़े कीजिए और दुआएं दीजिए कि नेक्स्ट सफ़र जो है हमारा फिर से ऐसा कहीं का हो जिसमें हम फिर से ऐसा इंजॉय करें नेचर को जैसा कि आज हुआ है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।